Preparing a two-minute testimony. God has given you a powerful tool to share Christ, and it is something no one can deny. What is it? It's your testimony. A testimony is your story about your encounter with Jesus. When you share... Hallelujah. ध्यान दें, अभी कुछ समय में गवाहियां शुरू होगी, लेकिन अभी जो गवाही आप देख रहे हैं, सच में मैं कहता हूं कि जो जरूरतमंद है, जिनका सहारा कोई नहीं, जो ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सच्चाई से, ईमानदारी से आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलो और उसका मनन करो विश्वास के द्वारा, तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पैदा करने वाला वो है, चलाने वाला वो है, और हमारे दिन, हमारे साल, एक एक दिन, एक एक मिनट का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। गॉड का मतलब होता है जेनेसिस, जी फॉर जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला, ओ मींस ऑपरेटर, उसे चलाने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉय, गॉड उसे कहते हैं जिसने बनाया, चलाया और जो खत्म करने की क्षमता रखता है, जो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, जी। और ये जीवन गवाही आपके सामने है। ये बच्चा जिसे आप देख रहे हैं, ये डेड था, एक भी सांस नहीं ले पा रहा था ये, और पूरा परिवार रो रहा था, और इन्होंने रोते रोते प्रार्थना के लिए फोन किया कि पास्टर जी, इसकी माँ मुश्किल से बची है। जी, ये छोटी सी आप गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ये बच्चा पेट पे आ, पहला तो मेरे दर्द पक्षी दे विच नहीं हटिया सीगा, 5 महीने तक मेरे दर्द चलता रहा। फिर मैनू, मैं जिथे भी हॉस्पिटल च जावा ते उत्थे ही मैनू जिन्नियां भी रिपोर्टां उत्थे मैनू जवाब सारे ते मिलिया। मैनू कहंदे वे इत्थे कोई शिकायत दे विच मेरे न्याणा सिद्धा नहीं आया, बाकी इधर सिर बड़िया सीगा ते इधर लत्तां सीगियां, ते कहंदे तेरा केस नहीं होना, वे परेशन नाल पवां न्याणा चक सकदे आ, ओह भी डर नाल, डर हैगा परेशन कीता ते वी। ते फिर मैं कहां प्रभु मैनू बच्चा बनाण वाला, सारिआं ने मैनू जवाब देता, बंगी गई उत्थे भी जवाब देता, भोग कर गई उत्थे भी जवाब देता, ये बैंसी गई उत्थे भी मैनू जवाब देता, सारिआं ने मैनू जवाब दिता। ये कहंदे केस तेरा फड़ना नहीं हैगा, दाइयां ने दाइयां कोल भी गई, दाइयां भी कहंदियां भी मैं सी ये केस नहीं फड़ सकदियां। फिर मैनू दस्सिआ ते भोगकर च बहुत मशहूर हैगियां, वह कहें पुट्ठा भी न्याणा हों पैदा कर दिंदियाँ, वह भी कहदियाँ तू बाहर चले जा, तेरा केस फड़न वाला नहीं है। मैं क्या चल मेरे घरदू, मैं क्या रोन लग पे सारे, मैं क्या मेरा जिश जिंदा है तो मैं जवाब नहीं मिलूगा, मेरा गुजार है तो मैंने जवाब नहीं दिता, मैं बना रहो मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है, मैं इन्ना विश्वास किया मेरे खुदा से, मैं क्या मेरा प्रभु मैं बचाऊगा। जदों मैं मेरे पेट च सारे पानी भर गया सी, इदा मेरा पेट हो गया सी, ते मेरे परमेश्वर ने मैनू मैं याद किया, मैं घोड़े दे गई ते मैं तुसी मेरा परेशान नाल न्याणा चका दो, मैं बहुत दुखी नहीं कि परेशान है, मेरा साह बंद होंदा सी, मेरी धड़कन वर जांदी सी, मेरे दर्द बहुत सारे पेट च फैल गया सी। मैं प्रभु दे दास नू कहा, मैं पास्टर जी मेरी प्रार्थना कर दियो, ये कहिंदे जी विश्वास हैगा तुहानू तां तुसीं विश्वास नाल तुसीं बच भी सकते हैं। मैं सानू विश्वास है प्रभु से, कहता विश्वास रख, मैं प्रार्थना कर देंगा तेरा नॉर्मल केस होगा, मेरा दिल कहता है, मेरा परमेश्वर मैनू कहता है। मैं ठीक है, फिर मैं गया, मेरे सारे ही मेरे घरे है ना, मेरा पानी सारा ही पेट का निचड़ गया, इतना ही चैर है ना सारा ही, टोआ टोए को मैं खड़ी टोआ ही भर गया। मैं गया मेरे इन्ना पानी ढिड च सीगा जेड़ा मेरा उंगल भी नहीं लगती सी ढिड से, ते मेरे जे यही पानी दे नाल मेरे जहर उत्थे दर्द फैलदा सी। फिर मैनू भोग कर लै गए, फिर नर्स दी कुड़ी, नर्स ने भैन जी ने लात मेरे ग्लूकोश, उत्थे मेरे कहंदी ओदी कुड़ी आई ते ओह कहंदे इहनू बाहर कढ़ दे, केस नहीं फड़ना।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਰਸ ਬੋਲੀ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦੇਖਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਸ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨੀਲਾ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੁਆਈ ਕੋ ਸੁਣਾ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝ ਲੋ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇ ਹੈ। ਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੇ ਭੀ ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਗ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨਕੋ ਚੰਗਾ ਕੀਆ, ਵੋ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਜ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਵੋ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਉਠਾਓ ਔਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਭ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ।